नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मंगलवार के शुभ अवसर पर नमक का ये उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। यदि आप धनवान ना हो जाएं, तो मुझे बताना, नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, यदि जो मनुष्य इस उपाय कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को मात्र करने भर से दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी। दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे, करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने बस में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोल कर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद दिलाना है, यानी कि डेली वाला जो कि कुछ इस प्रकार से देखता है, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप रुपए का आया, फिर 21 रुपए का नमक ले आए यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के निकुण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। आग्नेयकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के पश्चात एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, ये वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है, पूरे घर का, तमाम तरह का, आज इसी कोने में होता है। और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमार, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी।
और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के पश्चात कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के पश्चात आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो, रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं, 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त करता है जिसकी आप कल्पना भी कर सकते, चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य प्राप्त हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए, इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, सर जी भी छू मंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी एक बार आजमाकर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ये 100% सच है। दोस्तों विदेशी लोग खातों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है, यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इस नमक की कदर करें दोस्तों, उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें, फिर इसे संभाल कर रख दी। दोस्तों चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है, इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें, दो तो भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्थरी हो सकती है। हाँ
अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक की कदर करता है के ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।